झारखंड और छत्तीसगढ़ का आंकड़ा दिखाएंगे। सबसे पहले झारखंड का आंकड़ा आपको दिखाते हैं। झारखंड का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है देखिए। झारखंड की जो कुल सीटें हैं वो 14 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के पास जा रही हैं 12 सीटें, और जो कांग्रेस जेएमएम यानी इंडिया गठबंधन है उसमें देखिए आजसू एक सीट अन्य के खाते में जा रही है, यानी सिर्फ एक सीट इंडिपेंडेंट के पास जा रही है। ये देखिए वोट प्रतिशत भी आइए आपको दिखा देते हैं। जेएमएम को एक सीट मिल रही है, अन्य को एक सीट मिल रही है, बीजेपी को 12, और वोट प्रतिशत क्या कहता है झारखंड का वो भी आइए तस्वीर आपके सामने आने वाली है। तो देखिए ये हमारे सामने आ गई तस्वीर, एनडीए को 46% वोट मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को 28% वोट मिल रहा है, अन्य के खाते में 5% और तय नहीं है 19.49%। देखिए तय नहीं वोटर भी एक बड़ी तादाद है, और इसी वजह से जैसे जैसे मुद्दे बदल रहे हैं, ये लॉन्ग ड्रॉन इलेक्शन है, मुद्दे भी बदल रहे हैं और समीकरण भी किसी हद तक बदल रहे हैं। 20% के आसपास तय नहीं, ये बहुत बड़ा फिगर है, ये किसकी तरफ जाएगा ये देखना होगा। ये 19% वोटर है। इसके बाद अगले राज्य की बात करते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो तस्वीर है वो भी आपको दिखाते हैं। एक सीट जो जेएमएम जीत रही है और एक अन्य, वो भी आपको बाद में बताएंगे, उसका भी तस्वीर साफ करेंगे। बीजेपी को सबकी सब सीट मिल रही है छत्तीसगढ़ में, 11 की 11 सीटें बीजेपी के पास जा रही है, यानी यहां पर कोई भी दिग्गज इस तरफ से यानी कांग्रेस पार्टी, यहां भी एक बहुत बड़ा नाम है पूर्व सीएम भूपेश बघेल, इसका मतलब राजनांदगांव लग रहा है वो सीट भी बीजेपी के खाते में जा रही है। तो वोट प्रतिशत क्या कहता है छत्तीसगढ़ का वो भी दिखा देते हैं, और फिर इन सीटों के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए इंडिया के पास 58% वोट आ रहा है, इंडिया गठबंधन को 28% वोट मिल रहा है, और तय नहीं 13.15% है। शिव, आप झारखंड में जो सीट अन्य इंडिपेंडेंट के पास जा रही है, शिव अगर आप वो आंकड़ा निकाल कर रखेंगे तो हम उसके बारे में, ये झारखंड में दो सीटें बहुत अहम है, जेएमएम को आपने एक सीट दी है, राजमहल गिरिडीह दिया आपने इंडिपेंडेंट को, दोनों सीटें आप निकाली। तब तक हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी तक टोटल क्या पिक्चर आपके सामने आई है। बिग पिक्चर ये कहती है कि 200 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने आया है, जिसमें से 152 सीटें एनडीए गठबंधन को जा रही है, जबकि कांग्रेस सहित जो विपक्षी दलों का गठबंधन है इंडिया, उसके पास 44 सीटें जाती दिख रही हैं और 4 अदर्स के पास जा रही हैं। 200 सीटों का ओपिनियन पोल हमने आपके सामने रखा है, लेकिन ये आंकड़े बहुत तेजी से बदलेंगे जब अभी हम आगे बढ़ेंगे साउथ इंडिया की तरफ। तमिलनाडु अभी आने वाला है जहां फर्स्ट फेज में इलेक्शन होना है। शिव, आपको निकालना है राजमहल सीट जेएमएम के पास जो जा रही है और गिरिडीह की जो सीट है, एक एक करके दोनों सीटों का आंकड़ा हमें दिखाइए झारखंड से। मैं आ रहा हूं, तो इन अभी आ रहा हूं आपके पास। शिव बताइए, राजमहल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन तब तक शिव जब तक निकाले तब तक तोहिन कुछ कहना चाह रहे हैं। तोहिन बोलिए, क्या कह रहे थे आप? खंड का मुझे थोड़ा सा आपका आंकड़ा गलत लग रहा है। पिछली बार जो है 56% एनडीए को मिला था और आप सीट उतना ही दे रहे हैं। उस बार भी एनडीए को उस बार 13 मिला था, बीजेपी को 12 और 1 आजसू को मिला था। इस बार भी भाजपा का जो है उतना ही सीट है, लेकिन 10% अगर आप कम दिखा रहे हैं वोट शेयर, वो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। मैं उसमें एक 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 यहाँ पर राइडर है तोहिन की, हमने यहाँ पर करीब 20% वोट शेयर दिखाया है जो अभी तक अनडिसाइडेड है, हो सकता है कि वो वोट आपके पास जाए, हो सकता है आपके पास ना जाए। सीटें कम नहीं हुई हैं, लेकिन वोट परसेंटेज में अंतर आया है। नहीं, चूंकि मैं झारखंड की राजनीति से करीब से जुड़ा हूं, मैं आपको कह सकता हूं इस बार जो नाराजगी है हेमंत सोरेन के खिलाफ, जो उन्होंने स्कैम किए हैं, लेकिन तो इन हेमंत सोरेन की जो सीट है भाजपा को आने वाली है, वो जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं राजमहल जीत रहे हैं, इसके अलावा गिरिडीह एक जो इंडिपेंडेंट है वो जीत रहे हैं। तो ये आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ है, लेकिन वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी सीट। तो मेरे ख्याल से मई में दोनों जगह जो आप बता रही हो, मई में चुनाव होने हैं, 2-3 हफ्ते बहुत होते हैं वहां पर, तो इसीलिए वो इस बार जो है 13 बीजेपी और 1 आजसू, पूरा क्लीन स्वीप होने वाला है झारखंड में। केवल एक सीट जो था वहां पर, तो इसी वजह से तो ये सवाल तो आपसे है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो एक्शन हुआ, क्या उसका फायदा मिल रहा है उस एक सीट पर उनको? वो लग रहा होगा ऐसा आपको, लेकिन है नहीं वैसा। जो भाजपा ने भी बहुत मेहनत किया पिछले 4-5 सालों में वहां पर, और जो स्कैम है, देखिए इतना खुला स्कैम है कि अगर हेमंत सोरेन जो है सिंपथी कार्ड प्ले भी करते हैं, तो जो जागरूकता भाजपा ने फैलाया है वहां वोटर्स में, आज आदिवासी वोटर भी मानते हैं कि हेमंत सोरेन ने केवल और केवल आदिवासी समुदाय को लूटने का काम किया। ठीक है, एक मिनट, राजमहल जल्दी से दिखा देते हैं। यहाँ पर राजमहल आप देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जेएमएम को, यहाँ पर आप देखिए पार्टी वाइज रिस्पॉन्ड काउंट हम आपको दिखा रहे हैं। राजमहल जेएमएम जीत रही है, इसमें अगर हम बात करें यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 विधानसभा है, और इन 6 विधानसभा में जेएमएम 4 पर आगे चल रही है और अच्छे खासे मार्जिन के साथ आगे चल रही है। केवल 2 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन ये जो है ये तो उनकी परंपरागत सीट है। इसके अलावा पार्टी सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी के पुराने प्रदर्शन से दोहराने से उसको रोक क्यों नहीं पा रही है शिव?
जी मैं तो यही कहूँगा कि ऑन ग्राउंड फैक्टर्स कुछ चल नहीं पा रहे हैं वहाँ पर। भाजपा मुझे लगता है ये एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर का वोट हो आप मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोकल फैक्टर्स नहीं चल रहे हैं, नेशनल फैक्टर्स चलेंगे। नहीं नहीं, लेकिन अभी आपने कहा कि केजरीवाल के जेल जाने का सिंपैथी फैक्टर यहाँ आम आदमी पार्टी के पास है, तो वो फैक्टर यहाँ पर हेमंत सोरेन के जेल जाने का क्यों नहीं है? देखिए पंजाब में और झारखंड में थोड़ा ज्यादा फर्क आ जाएगा। हाँ। पंजाब में क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट भी हुआ था तो वहाँ का भी इम्पैक्ट हो सकता है। हाँ। बहुत चीजें ऐसी हैं जो पंजाब से दिल्ली के जुड़ाव से रहती हैं और वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, लेकिन जेएमएम थोड़ा दिल्ली से बहुत दूर है और वहाँ पे प्रधानमंत्री की। आप कुछ ज्योति जी कुछ कहना चाह रहे जल्दी? मैं वो बता रहे थे कि झारखंड से, मैं झारखंड का इंचार्ज हूँ, मीडिया कम्युनिकेशन वहीं रहता हूँ। आप जो ये बात कह रहे हैं कि ट्राइबल की बात कर रहे हैं, वहाँ इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुआ है हेमंत के जेल जाने के बाद, सारे ट्राइबल शेड्यूल कास्ट गुस्से में हैं, ये पता नहीं है। वहाँ भी मैं आपको बता दूँ गौरव जी और रोमाना जी कि वहाँ भी आपको मैं बताऊं कि वहाँ भी अभी कांग्रेस धनबाद हमें भी सीट नहीं दिए हैं, अभी हमारा अनाउंस नहीं हुआ है, हमारा अभी रांची अनाउंस नहीं हुआ है, हमारा अभी 4-5 सीटें अनाउंस ही नहीं हुई है। यही सवाल तो सब पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, आपने कैंडिडेट क्यों नहीं अनाउंस किए? चुनाव शुरू हो चुके, लोग मैदान में है ना, वो दूसरा है। लेकिन आप तो वो एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा है उनको। सिचुएशन में बता देता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया है ज्योति जी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी तो मिलेगा दिए हैं, वो कैंडिडेट ऐसा कैंडिडेट है कि उसके अगेंस्ट कोई खड़ा हो जाएगा वो जीतेगा, हमारा इंडिया का कैंडिडेट आप पता कर लीजिए।